सीवान में लगातार सरयू के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। दरौली, गुठनी, आंदर और ससवन के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। प्रशासन की तरफ से स्टीमर की व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों की माने तो उनके रहने, खाने पीने सब चीजों में परेशानी हो रही है। हालांकि सुबह से जल स्तर में थोड़ी सी कमी आनी शुरू हो गई है। पानी बढ़ला से हमार जितना घर में संपत्ति रहला उतना सारा हमार पेटी बक्सा मन पानी हमार सारा बर्बाद हो गई। एक ठेहुना पानी हमारा घर में बा। प्रशासन के लोग आवता हो जा से होने चल जाता। कुछ आश्वासन जी आयल बानी, कुछ आश्वासन मिलल है कि कुछ नहीं मिलल। सिवान में बाढ़ ने अपना कहर मचा रखा है। जी हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि सिवान के दरौली प्रखंड के सरयू नदी ने अपनी तबाही मचाई है। हर इलाकों में पानी घुसा हुआ है। दरौली प्रखंड के लगभग 50 घर ऐसे हैं जो पानी की चपेट में आ गया है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें खाने पीने रहने की सारी परेशानी है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि देखिए किस प्रकार यहाँ के लोग जो है कि परेशान है और पानी चारों तरफ भरा हुआ है। या बात कर ले दरौली के तियर गाँव की या दरौली मेन जो तलैया क्षेत्र है वहां की बात कर ले तो सभी जगह पानी भरा हुआ है। साथ ही गुठनी प्रखंड की बात कर ले तो गुठनी प्रखंड में भी पांडेपुर से लेकर लगभग दर्जनों गांव ऐसे हैं जो पानी की चपेट में आ चुका है। हर जगह तबाही मची हुई है। वहीं आंदर की भी बात कर ले तो आंदर में भी लगभग दर्जनों घर ऐसे हैं जो पानी से डूबे हुए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि पानी जब कम होता है तो उस इलाके में कौन सी बीमारी फिर आती है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी वहाँ होता है, क्या कुछ व्यवस्था किया जाता है, देखने वाला समय बताएगा। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, न्यूज़ 8 बिहार, सीवान।